नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उससे ज़रूर पार्टी के समर्थक थोड़े परेशान हैं। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पूर्व विधायक, विधायक, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री आज शिकायत कर रहे हैं और सबकी शिकायत सिर्फ एक है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री तक एक शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश देने के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। यही वजह है कि दो दिन पहले ही एक दर्जा प्राप्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर लगातार खबरें चल रही हैं। खास बात यह है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा और इन सभी खबरों का खंडन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही है कि पार्टी के भीतर जो है हालात अभी फिलहाल ठीक नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की अगर एक भी तस्वीर आज एक साथ सामने आ जाए पार्टी मीटिंग के बाद, तो सभी जो आलोचक हैं उनकी जुबान बंद हो जाएगी, उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर फ़िलहाल आते हुए दिख नहीं रही है और ना ही उम्मीद है कि ऐसी कोई तस्वीर फ़िलहाल जल्द सामने आएगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मचे इस घमासान की जो असल वजह है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद नहीं है। कहा जा रहा है कि इस घमासान की वजह है प्रधानमंत्री का पद, यानी कि दिल्ली की गद्दी सबकी बड़ी वजह है जो घमासान उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो चुके हैं और अगला जो चुनाव होना है यानी कि लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, उसमें वो बीजेपी का प्रमुख चेहरा या पीएम पद का चेहरा नहीं रहेंगे। उनकी जगह कौन पीएम पद का चेहरा होगा या बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होगा, इसे लेकर ही जो उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा है अगर सरकार 2029 में भी जीतती है। यानी कि बीजेपी अगर जीतती है 2029 में तो सरकार का जो मुख्य चेहरा होंगे वो अमित शाह होंगे, यानी प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे तो यूपी से यही मैसेज दिया गया कि योगी जो है वो मोदी के बाद हैं, मोदी के बाद योगी, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिशें 2017 के बाद से ही शुरू हो गई थी और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। यहीं पर दोनों नेताओं के बीच बताया जा रहा है टकराव की असली वजह यही है और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना फिलहाल आसान नहीं है। 2027 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अगर 2027 तक वो इसी पावर के साथ मुख्यमंत्री रहते हैं तो अमित शाह की ज़रूर मुश्किलें बढ़ेंगी या सबसे बड़ी टक्कर दे सकते हैं अमित शाह को, क्योंकि योगी एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं जिनकी डिमांड हर राज्य में होती है जहां भी चुनाव होते हैं। और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत में कुछ ऐसा बड़ा होगा कि जिसके बाद 2027 तक मुख्यमंत्री तक रहेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन काफ़ी कुछ बदल जाएगा, यानी उनकी पावर कम की जा सकती है। और अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बीजेपी वो कमाल दिखा पाए, क्योंकि अधिकतर समर्थकों का यही कहना है मुख्यमंत्री के कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को मजबूत किया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो आंकड़े हैं, क्योंकि चुनावी आंकड़ों की बात की जाए अगर, क्योंकि किसी भी नेता ने अगर पार्टी को मजबूत किया है या उसके आने के बाद पार्टी जीती है या पार्टी पर क्या असर पड़ा है, सकारात्मक पॉजिटिव असर क्या पड़ा, तो आंकड़े बता सकते हैं। 2014 में जब योगी आदित्यनाथ कहीं भी फ्रेम में नहीं थे चुनावी, तब बात की जाए तो 2014 में 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 61 सीटों का फ़ायदा हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रमुख चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं थे, 325 सीटें बीजेपी ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, 278 सीटों का फ़ायदा हुआ था। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ
और वो सीधे 71 से 62 पर आ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ, बीजेपी 325 से 255 पर आ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को 30 सीटों का नुकसान हुआ है और पार्टी आ चुकी है 36 सीटों पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी हो चुकी है। ये चुनावी आंकड़े साफ बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने से जितना हो हल्ला सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी को फ़ायदा हुआ योगी आदित्यनाथ के आने से, लेकिन चुनावी आंकड़े तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और यही आंकड़े योगी के विरोधी भी बता रहे हैं। फिलहाल घमासान यूपी की सियासत में मचा हुआ है, आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने से क्या सच में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फ़ायदा हुआ है, और अगर फ़ायदा हुआ है तो चुनाव में लगातार सीटें क्यों बीजेपी की घट रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली न्यूज़ चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।